से कम्प्लीटली रूप से चालू हो चुका है और जो हमारा फॉल्ट था वो लोगों का वो चला गया है। अगर आपको आना है सीखना है हम इसको चेक कर सकते हैं, तो सीपीयू की रीडिंग देख लो। यही तो फायदा है इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करने का कि आपको हर वीडियो से एक बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें मिलती हैं। तो देखिए, तो हम इसकी रीडिंग जानेंगे। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है देवव्रत अग्रवाल और दोस्तों अभी इस समय मेरे पास इस तरह से न्यू ब्रांड एक सैमसंग का F41 है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये फ़ोन ऑलरेडी एक टेक्नीशियन से आया है, बट एक कस्टमर का फ़ोन है, पर टेक्नीशियन से आया है क्योंकि मैं कस्टमर से फ़ोन नहीं लेता, मैं सिर्फ डीलर से फ़ोन लेता हूँ। अगर आप किसी दुकान वाले हैं, अगर आपके पास कोई फ़ोन है आईफोन या एंड्रॉयड और आपसे बन नहीं रहे और आपने किसी दुकान वाले को दिया उनसे भी नहीं बने, तो आप हमें भेज सकते हैं और हम आपको रिपेयर करके देंगे और इतने कम दाम में कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका सेट भी बन जाए। और हमारे लिए दोस्तों आपको लगता होगा हम क्यों बनाते हैं, हमारे पास इतना काम है क्योंकि हमें केस स्टडी बहुत अच्छी लगती है। हमारे पास जितने नए नए फ़ोन आए केस स्टडी हमारे लिए बहुत अच्छी है और इन्हीं केस स्टडी से ही सीखा जा सकता है। सो ये मेरे पास फ़ोन है और इसमें चार्जिंग लोगों पर है और ऑलरेडी एक नॉर्मल है, कह रही है तो आप समझ गए होंगे मैं इसमें ड्यूअल डेकर इसको रिबॉल करने वाला हूँ। पर किसी टेक्नीशियन के पास गया ऑब्वियस है कि वो काम नहीं कर पाया होगा, उसने नॉर्मली हीट वीट किया होगा पर उससे हुआ नहीं और फ़ोन डेड ना होने के कारण वो रिटर्न कर दिया है। पर कुछ हल्का वल्का काम उसने कर लिया है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कि क्या काम उसने कर लिया है। तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ से उतरी हुई हैं क्योंकि ये मेरे पास वैसे ही आया हुआ था, है ना। और ये देखो यहाँ से पतरा निकला हुआ है। तो देखिए ये इसको ना डायग्नोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से क्या चीज़ उतरी हुई है। पतरा निकला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी उसने काम किया है। और टेक्नीशियन समझते नहीं है कि उनको हर चीज़ डायग्नोस करनी चाहिए, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, उस पर कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है किसी प्रकार का। और अच्छा देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। तो चलो हमें भी पता है हमें क्या काम करना है, हमने इसको डायग्नोस तो करना ही है। डायग्नोस क्या है इसका, तो डायरेक्ट सोल्यूशन है, बट यही सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और आप ज्वाइन कीजिए यही से टेलीकॉम, बेहतर फ्यूचर आपको बनाने को जो यहाँ से मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसमें माइक्रोन का UFS लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे पावर IC है और ये पावर IC जो है A50 वाला पावर IC इसमें लगा हुआ है और इसमें DC to DC IC SFO भी A50 वाला लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी OBP और इसका जो आपकी डायोड प्रोटेक्शन IC है और यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, एक सेंसर्स लगे हुए हैं और कैमरे वैमरे। तो चलिए इसको ज़्यादा देर ना करते हुए इस पर काम शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा कवर करें क्योंकि इस वीडियो में मैं इसकी जो रिबॉल है पहले इसमें देखूंगा कि क्या रैम उतारने से ही काम हो जाता है कि नहीं, तो ये भी पता चल जाएगा चार्जिंग लोगों पर क्योंकि, और मेरे को तो इसको ऑन करके दिखाना है और मतलब देना ही है उसमें दिखाना है क्या है। तो पहले मैं इसका ऊपर का प्रोटेक्शन कवर निकाल लूँ, ये आप लोग को ज़रूर निकाल लेना चाहिए क्योंकि ये बाद में भी काम आ जाता है अगर निकल जाए तो। थर्मल प्रोटेक्शन कवर बोलते हैं इसको। और चलो तो इसको उतार लेते हैं और इसको उतारने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी कटर की। देख लीजिए कितना इजीली मैंने इसको रिमूव कर लिया है। लोग बेमतलब हीट देते हैं और हीट देके
अपने बोर्ड को या तो टेम्पर कर देते हैं या फुला देते हैं या ले दे के और भी मसले कर देते हैं। दोस्तों पेस्टेड आईसीआई होती है ना, उस पर हीट कम दें, है ना, ये बहुत अच्छे कटर्स होते हैं उनसे उतारने की, और प्रैक्टिस है, सारी चीज़ प्रैक्टिस पे। देखिए यहाँ पर ये कम्प्लीटली रूप से चालू हो चुका है और जो हमारा फॉल्ट था वो लोगों का वो चला गया है। अगर आपको आना है, सीखना है, इसको थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं, बेसिकली ये हीट सिंक होता है इस तरह से हीट को, और जहाँ हीटिंग होती है यहाँ पे इसको ये लगा देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई फ़ोन है मैन्युफैक्चर डिफ़ॉल्ट होता है, गर्म होता है, तो ये उस गर्मी को कम करने के लिए होता है और काफ़ी अच्छा ही आपको अलग से भी मिल जाता है, ये लगा सकते हैं आप। तो ये इसका CPU है, CPU पे एक बार भी काम नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए CPU पे एक बार भी काम नहीं हुआ है। ये इसका MOLED सर्किट लगा हुआ है, 3 बूस्ट कॉइल। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कॉइल क्यों बीप देता है, यार सर्किट का नॉलेज नहीं होगा तो कंफ्यूजन तो हर जगह होगी। कैपेसिटर को भी रजिस्टर को भी कैपेसिटर बोलोगे, और कैपेसिटर को रजिस्टर बोलोगे, और रजिस्टर को रजिस्टेंस बोलोगे, और कॉइल को कायल बोलोगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और नेटवर्क के सेक्शन में तो पता नहीं बहुत महान आत्माएँ होती हैं जो कि कॉम्पोनेंट को निकालती आती है और जिनका कोई मतलब नहीं, पता ऐसे ऐसे टेक्नीशियन है। और यार प्लीज़ एक मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आप सबसे बात करूँगा कि जो भी टेक्नीशियंस को देख रहे हैं, यार देखो आपको काम आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यार अगर आप किसी कस्टमर का फ़ोन ले रहे हैं, यार वो अमीर गरीब से कोई भी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक सोच के आता है आपके पास कि यार देखो आप फ़ोन बना देंगे, आप इस उम्मीद से फ़ोन लेते हो। अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप उसको मत बनाओ यार, आप उसके पे एक्सपेरिमेंट मत करो। देखो अगर आप कहीं से सीख के आए हो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको कोई स्टेप पता है, हाँ मुझे अब ये करना है वो करना है, तो ही फ़ोन को लो, अदरवाइज़ फ़ोन को मत लो। मेरे भाइयों आप लोग अच्छे टेक्नीशियन का नाम ख़राब कर रहे हैं। आप लोग का एक थ्योरी पता है क्या है, सुन लो, आप लोगों की एक थ्योरी है, डेड फ़ोन आया या लोगों पे या कोई सा भी फ़ोन पे आया, फ्लैशिंग गली नहीं हुआ, MMC और प्रोग्रामिंग तो उनके सर के ऊपर से है, या फिर जो प्रोग्रामर होते हैं तो क्या हीट, पहले तो ऐसा क्लीन करेंगे और फिर क्या करेंगे, हीट। क्यों, क्या रीज़न है कि इस पर हीट करना पड़ेगा, क्या हीट करने से ये सही हो जाएगा, या वो 3G वाले सेटों में होता था, मत करो प्लीज़। पता नहीं कब सुधरेंगे ये टेक्नीशियंस, सुधरना भी नहीं चाहते हैं, बेशर्मी है बिल्कुल, और ना कहीं सीखना चाहते हैं, घर पे रहना चाहते हैं, निकलना भी नहीं चाहते, सब कुछ उनको घर पे बिस्तर पे चाहिए, एक अपंग की भांति ज़िंदगी जी रहे हैं वो टेक्नीशियन। मैं सच बताऊं जो टेक्नीशियन सिर्फ दुकानों पर क्या पैसा कमा रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कोई पैसा कमा पा रहे हो। और लोग कहते ना कि मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत पैसा है, तो ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई पैसा अगर सुबह भी कमाया तो शाम को वो लुटा देता होगा। तो भाई मत करो यार, सीख के काम करो। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना काम। ये हमारी स्टेंसिल्स है, तो इससे हम इस पर काम करेंगे। ये हम PCB होल्डर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसके कैमरे हम निकाल चुके हैं, कैमरे हमने सेफ जगह पर रख दिए हैं, बाकी इसमें कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब काम का एक्सपीरियंस इतना हो गया। अच्छा हाँ, PCB होल्डर में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिरा देख रहे हैं ना, ये जो कटिंग का सिरा है, इस कटिंग के सिरे को यहाँ पर फंसाइए। बहुत सारे लोग गलत करते, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा TV में देखिए, नज़र रखिए ज़रा, ये देखिए ये सिरा है ना, ये सिरा यहाँ आना चाहिए, ये देखिए ये सिरा यहाँ आना चाहिए, ठीक है, देखो कितनी इजीली फिट हो गई, देख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। इस तरह के बॉक्स यूज कर लीजिए आप, जैसे मैंने जो भी सामान उतारा है मैं इसमें डाल देता हूँ, ये देखिए ये चला गया, कैमरे वगैरह, ये देखिए ये कैमरा और उसको पैक कर दिया। तो अभी क्या है, जो भी स्क्रू है, अब जब तक ये बनाऊंगा नहीं,
जब तक यह इसको पैक करके जैसे भी है इसको दे नहीं दूंगा तो मेरा कोई भी चीज़ घूमेगा नहीं। तो ये सेफ्टी रीज़न है, इसको अपनाइए। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ स्क्रैपर ग्लू काट कटिंग करने के लिए। 250 हीट और एकदम नॉर्मल एयर, 6 नंबर नोजल एंड 857 DW प्लस SMD। ये वाइड टेस्टेड है तो इजीली कट जाता है। चलिए अब इसकी रैम उतारेंगे। स्क्रैपर देख लीजिए, नोजल का साइज बढ़ा दिया 8 से 12 mm, कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, मैं तो करता हूँ। और 350 हीट और 50 एयर और SMD 861 जो भी अच्छी चौंधाई। ठीक है, रैम उतर गई। ये जो कैपेसिटर है इसको हम वापस यूज करेंगे। अब मैं खाली एक बार चेक करूंगा थोड़ा रैम का सरफेस लेयर जो क्लीन करके कि जो मेरी रैम उतरी है वो मेरा CPU सही है क्या। अगर CPU मेरा रीडिंग सही दे रहा है तो मैं सिर्फ रैम ही चेंज करूंगा या रिबोल भी कर सकता हूँ, तो पहले रिबोल ही कर लूंगा।
तो चलिए हमने फिलहाल 50% तो रैम तो ऊपर से क्लीन कर लिया, एटलीस्ट हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सीपीयू की रीडिंग देख लो, यही तो फायदा है इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करने का कि आपको हर वीडियो से एक बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें मिलती हैं। तो देखिए, तो हम इसकी रीडिंग जानेंगे किसका रीडिंग कितना आता है। देखिए फोन को लगा लेते हैं और अगर ये रीडिंग नहीं देखा तो मुझे सीपीयू निकालना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर की वाला बटन लगाया है और बूट केबल यूज करूंगा। देखिए तो मैंने बूट केबल यूज की है और फोन में अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है मेरे। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा फोन जो सीपीयू की रीडिंग नहीं दे रहा है, तो ये फॉल्ट सीपीयू से भी है। देखिए तो ये 07 लेके वापस आ रहा है, तो इसकी रीडिंग होनी चाहिए थी 10, 11, 12 समथिंग, 13, 14 इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर सीपीयू भी मुझे निकालना पड़ेगा, खाली रैम रिबॉल करने से कुछ नहीं होगा। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली रूप से चालू हो चुका है और जो हमारा फॉल्ट था वो लोगों का वो चला गया है। अगर आपको आना है, सीखना है, मैं फिर से कह रहा हूँ छोटी छोटी दुकान वालों के पर मत जाओ। वो कहते हैं बोर्नियों से सीख लो ये, पर हैंड स्किल नहीं सीखी जा सकती है। और बोर्नियो बच्चे बनाते हैं 15-16 साल के। आप सही तरीके से आप देखेंगे कैसा लगा ये वीडियो, आप बताएगा जरूर। और ये वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं, तो पहली बात, दो तीन बात आप मेरी गौर से सुन लो। मैं हर टीचर की जगह ये नहीं कहूँगा कि ये काम एक बार के सीखने का, आप एक मास्टर बन जाएंगे, आप ऐसा काम हमें आप एक ऐसा काम चाहते साथ कर लेंगे। ये काम प्रैक्टिस पे बहुत होती है, बट हमें तरीके आने चाहिए। और सिर्फ यही काम इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक से एडवांस क्या होता है कि हमें पीसीबी की बारीकियाँ समझनी है, हमें पीसीबी के हर एक कॉम्पोनेंट, हर एक हमें समझना है कि कैपेसिटर अगर पैरेलल लगा है तो क्यों लगा है, सीरीज में लगा है तो क्यों लगा है, एक्चुअल क्या काम कर रहा है नेटवर्क में, पैरेलल कैपेसिटर नेटवर्क में वहाँ कहाँ काम करता है, कैपेसिटर नेटवर्क में जहाँ लगा है जहाँ पे वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे क्यों लगा है, जहाँ जब वोल्टेज ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर अगर अब तो ये मतलब फंडामेंटल है सारे। हमें जानना है कि कोयलें जब शॉर्ट होती हैं तो पहले क्यों लगाई जाती हैं, हमें जानना है कि बूस्ट सर्किट कैसे होते हैं, हमें जानना है स्विचिंग सर्किट क्या होते हैं, DSO के क्या काम है। देखिए हमें एंडलेस जानना है, हम बुर्नियों पर नहीं टिके हो सकते। आप बुर्नियों, आप मैं एक छोटा सा एक वीडियो देखिए, आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को लगता है ये सर टेलीकॉम बोर्डियों से पढ़ाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमसे ऑन डिमांड, क्योंकि हमें हार्डवेयर सोल्यूशन समझाने पड़ते हैं कि कल को बच्चे देखें तो उनको समझ में आए। मैं उनको तो इस लेवल पे समझाता हूँ कि आप हार्डवेयर सोल्यूशन पे बिल्कुल मत जाओ। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी क्लास में बोर्डियों भी खोलता हूँ। मैं अपनी क्लास में सिर्फ बोर्डियो या फ्लैगमा फिक्स इसलिए खोलता हूँ कि डायग्राम खोल सकूँ। ऑब्वियस है, मुझे A50 का डायग्राम चाहिए तो गूगल पे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन सर्वर पे मिलेगा। और ये हमारे लिए ही बने हैं। आप देखो इस वीडियो में तो ये बच्चे हैं, दे आर किड्स, और आप सोचो कि इनका कितना नॉलेज हो सकता है। ये एक सीधी सीधी लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप मान लेते हैं, आपको ये भी नहीं लगता कि उसके ऊपर भी कोई लाइन है, वो लाइन कहीं और भी जा रही है। आपको ये भी नहीं लगता कि हो सकता है इन्होंने सिर्फ एक इस लाइन में सिर्फ एक कंपोनेंट बताया, हो सकता है उसमें चार कंपोनेंट लगे हो, वो भी शॉर्ट हो सकता है, हो सकता है उस लाइन से भी ओपन हो सकता है। तो 100% अगर आप दुकान वालों, छोटी छोटी दुकान वालों के यूट्यूब वीडियो देख कर, अगर आप जो बोल भी नहीं पाते अच्छे से, जो रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं, जिन पे आप इमोशनली इनको लगता नहीं, भाई को सपोर्ट करो, भाई गरीब है तो भाई को आगे बढ़ाओ, तो भाई ठीक है, आप अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ाओ, बट यार एक्चुअली नॉलेज, सही नॉलेज को तो आगे बढ़ाओ। और जो सही नॉलेज दे रहे हैं उन पता नहीं किस प्रकार की एक ईगो आ जाता है कि सर तो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सर को भाई, सर को उन्हीं को नॉलेज देते हैं जो उनको फीस देता है। तो भाई सीधी सी बात है, आप जो कपड़े पहने हैं आप कोई भीख मांग के तो लाए नहीं है, ना ही आप किसी का रोज से उठा के लाएँ। ऑब्वियस है आपने दुकान से जाके पैसे दे के खरीद के लाए, है ना। तो हर चीज़ जो एक वैल्यूबल होती है, जो आज आप पहने हैं, जो आज आप चला रहे हैं, मोबाइल भी आपने खरीदा हुआ है, हर चीज़ वैल्यूबल होती है। आप जाइए मंदिर के बाहर, वहाँ लंगर बटा हुआ है, क्या आप जाके लंगर में खाते हैं? वो वैल्यूबल नहीं है, वो इतना स्वादिष्ट तो नहीं बोल सकता, बट क्योंकि ऑब्वियस है मंदिर का वो रहता है तो स्वादिष्ट तो है खैर, बट वो पेट नहीं भर सकता। एक भूखे का पेट भर सकता है, पर वो आप डेली वहाँ जाके आप थाली लेके खाना नहीं खा सकते। आपको प्रॉपर वे में खाना खाना है तो आपको राशन खरीदना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ कहना बंद कर दो कि आप लोगों को फ्री में ज्ञान दे दो। फ्री में कोई ज्ञान नहीं देता इस दुनिया में, ना आप स्कूल फ्री में पढ़े, ना आप कॉलेज फ्री में पढ़े, ना आपने कपड़े फ्री में, ना आप जिंदगी में आपने जो भी चीज़ अपने घर पे रखी है वो आपने फ्री में नहीं मिली है। और जो चीज़ आपको गिफ्ट में मिली है लाइफ में, एक बार याद रखना, मेरी बात बुरी लगती होगी या मेरी बात लोगों को, कुछ लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को समझ में ना आए, बट भाई मेरे आइन, अपना सही आइन अपने सामने रखो, मेरे को जज मत करो। मैं अपनी लाइफ में क्या हूँ पूरे इंडिया जानता है, इधर अग्रवाल कौन है, क्या है। अपने आप को जज करो कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमने क्या किया।
हम पे चार उंगली उठाने से अच्छा है अपने पर हम पे एक उंगली उठाने से अच्छा अपने पर चार उंगली उठाओ। अपने आप को बनाओ, खुद को इतना परफेक्ट कर लो कि आपके पास टाइम ही ना हो किसी की बात करने का। और अगर आपके पास में बहुत टाइम है लोगों की बात करने का, देखो हमें लगता है कि मैं हम सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हैं दोस्तों जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। मैं अगर फॉलो करूं सलमान खान या ऐसे लोगों को तो भाई मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, तो मुझे एक्टिंग करनी हो तो मैं फॉलो करूं, पर उसके बाद भी इमोशनली कभी भी सीखा नहीं जा सकता, इमोशनली वर्क नहीं किया जा सकता। स्ट्रिक्ट रूल डिसिप्लिन तभी एक आर्मी मैन की लाइफ हमेशा सक्सेसफुल होती है। खैर ये सारी चीज़ें समझाने का कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि दो ऐसे वक्त आते हैं हमेशा एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो समझता है, पहला तो जब उसको कोई मेंटर मिलता है और समझ जाए तो अच्छी बात है, जैसे मैं आज से आप बात करो। और अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो पिछवाड़े पर लात, जब बेटा पिछवाड़े पर लात पड़ेगी, जब ना वो इमोशनली गरीब लोग तुम्हारे काम में आएंगे जिसको तुम सपोर्ट करते हो, जिसको लगता है भाई को चढ़ाओ इनको सब्सक्राइब मत करो, भाई उनको सब्सक्राइब करो उनको बढ़ाओ, नो वैल्यू ज्ञान जो उनको सपोर्ट करते हो या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर आप उनको आपको लगता है तो भाई जब फ्री के नॉलेज ले लेके यूट्यूब में हर मोबाइल आया यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं क्या टेक्नीशियन हो हीट कर रहे हैं, क्यों अपना लाइफ इस फील्ड में मत दो, ये फील्ड आपकी नहीं है कुछ और करो। बट बेटा जब लात पड़ेगी ना बहुत जम के पड़ेगी, क्योंकि फिर सूझ जाता है। ऐसा मत करने दो यार, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। एक जो इंसान जिसने लाइफ में बहुत अचीव किए हैं अपनी लाइफ में, मैंने दो बुकें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सालों से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ा है जो अभी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं। भाई दिल्ली की बात करूँ, हैदराबाद की बात करूँ, नेपाल की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हैं, बैंगलोर की बात करूँ तो बैठे हुए हैं और टीचिंग कर रहे हैं, सिखाया हमने उनको। बट आपको ये समझना है कि आपको किससे सीखना है, एक ऐसे से जो बेसिकली एक संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, या एक उससे जो कहीं से सीख के आए हैं और जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं और उन थोड़े से ज्ञान में भी थोड़ा सा ज्ञान पढ़ सुने की कला है उनको, और एक उनसे जो कला बेच रहे हैं ज्ञान कैसे पढ़ा जाता है। थोड़ा सोचो 5-10-15-20 हज़ार के लिए अपनी ज़िंदगी का दुआ मत, 5-10-15 हज़ार के डिफरेंस के लिए अगर फीस में आपको कोई डिफरेंस लगता है तो अपनी ज़िंदगी का जुआ मत खेलो, क्योंकि वो वही वाली बात है कि अच्छा ले लो एक बार लो और ज़िंदगी भर यूज़ करो और फ़ायदा है, और सस्ता लो हर दिन लेते रहो। थैंक यू वेरी मच।
जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?